देखो दोस्तों, होली का टाइम आ गया था और हम लोग का एग्जाम भी खत्म हो गया था, बताया था मैंने आपको। तो हमने डिसाइड किया चलते हैं गांव, क्योंकि गांव पर होली खेलने का मजा ही कुछ और। तो हम लोग गांव के लिए निकल गए। और गांव के लिए जाने के बाद मैं पहुंचा रात को। जब रात को पहुंचा तो मैं खाना खाया और तुरंत ही सो गया, क्योंकि मैं बहुत ही थक गया था। उसके बाद मैं सुबह उठा, फ्रेश हुआ, उसके बाद मैं खाली पैर खेतों की तरफ निकल गया। आप लोग शहर में रहते हैं तो हमेशा शूज तो पहनते ही हैं, बट जब आप गांव में जाते हो तो आप लोग को हमेशा खाली पैर ही खेतों पे चलना चाहिए। क्योंकि देखो, खाली पैर चलने से बहुत सारे फायदे हैं, और हम हैं वीडियो एडिटर या फोटो एडिटर जो भी आप बोलो, तो हमारे आंखों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है स्क्रीन पे देखने से। तो हमेशा मैं क्या करता हूँ कि खाली पैर ही चलता हूँ। उसके बाद मैंने बहुत सारी फोटोज क्लिक की और उनमें से मुझे कुछ फोटोज पसंद आया, तो मैंने एक जगह शांति से बैठकर मैंने सोचा कि चलो उसको एडिट करते हैं। और मैंने कुछ फोटोज को एडिट किया और वो फोटोज इस तरह बन गए। और आप भी कहीं भी जाते हो या तो, मतलब कोई प्लेस पे जाते हो या कहीं भी घूमने जाते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे फोटोज क्लिक करते हो और बहुत ही टेक्निक अपनाने के बाद, मतलब बहुत ही एंगल से फोटो क्लिक किया और वैसा फोटो नहीं आ पाता है जैसा आप चाहते हो, तो क्योंकि उसमें कुछ न कुछ तो खराबी हो ही जाता है, या तो लाइट सही नहीं रहेगा या तो कलर सही नहीं रहेगा। तो चलिए आज उसको सीखते हैं कि आप कोई भी फोटोज को आप एक तगड़ा लेवल फोटो कैसे बना सकते हो। तो लाइटरूम में उसको ओपन करना है, और लाइटरूम में जाने के बाद हम चार चीजें करेंगे। पहला लाइट करेक्ट, उसके बाद व्हाइट बैलेंस सही करेंगे, उसके बाद कलर्स वापस लाएंगे, उसके बाद कलर्स को छेड़ेंगे, मतलब उसमें जो ऐसा कलर चाहते हैं, जैसा टोन चाहते हैं वैसा कलर देंगे, उसके बाद में कलर ग्रेड करेंगे, और उसके बाद कुछ नहीं। लाइटरूम ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लाइट करेक्ट करना है। तो लाइट करेक्ट करने का दो ऑप्शन मिलता है, पहला तो एक ऑटो है और दूसरा है मैनुअल। तो ऑटो को मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि आप मैनुअली करो, क्योंकि मैनुअली करने से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, किस चीज को कम करने से क्या होगा और किस चीज को ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो हाइलाइट्स है वो थोड़ा सा कम करते हैं, जिससे जो ज्यादा ब्राइट हो गया होगा वो थोड़ा सा उसमें डिटेल्स वापस आ जाएगा। उसके बाद थोड़े से इसका शैडोज बढ़ाते हैं, शैडोज को बढ़ाने के बाद ब्लैक्स को थोड़ा सा कम करना है, जिससे फोटोज में थोड़ा सा फेड हुआ होगा फोटो वो थोड़ा सा सही हो जाएगा। और उसके बाद इसमें कॉन्ट्रास्ट ऐड करना है। तो कॉन्ट्रास्ट को ऐड करने के लिए मैं कर्व का यूज करूंगा। तो कर्व में आपको ये 3 पॉइंट्स बना लेना है, एक हाइलाइट्स पे, एक मिड टोन पे और एक ब्लैक्स पे। और उसके बाद यहाँ पे एक इस कर्व बनाएंगे, तो ज्यादा आपको इधर उधर नहीं करना है, बस थोड़ा सा, जिससे ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड हो जाए। तो मैं इसको कर रहा हूँ, तो हाइलाइट्स को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, उसके बाद शैडोज को थोड़ा सा नीचे करेंगे, और जिससे देख सको कि इसमें कॉन्ट्रास्ट ऐड हो गया। ज्यादा भी शैडोज को नीचे मत कर देना, नहीं तो फोटोज थोड़ी सी ज्यादा ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद डन पे क्लिक कर। अब सही करेंगे व्हाइट बैलेंस और कलर्स। मैं चाहता हूँ कि इसमें कूल टोन रहे, तो मैं इसका क्या करूंगा, टेम्परेचर थोड़ा सा माइनस करूंगा। तो मैं इसको कर देता हूँ 6 पे रखते हैं, और उसके बाद टिंट को थोड़ा सा इसको भी माइनस करते हैं, तो ग्रीन टोन आ जाएगा। वाइब्रेशन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जिससे कलर्स वापस आ जाएंगे। और अब चलते हैं HSL पैनल में। तो HSL पैनल में जाने के बाद आपको रेड और ऑरेंज को नहीं छेड़ना है, मैं डायरेक्टली चलूंगा येलो की तरफ, और इसका ह्यू जो है इसको 49 करते हैं। उसके बाद सैचुरेशन इसका पूरा बढ़ा देते हैं, लुमिनेंस को छोड़ देते हैं। उसके बाद ग्रीन में जाएंगे और ह्यू को 42 कर देंगे, और इसका भी सैचुरेशन 100 कर देते हैं, और लुमिनेंस को कुछ नहीं, और सियान जो है उसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद ब्लू को माइनस में ले जाते हैं और इसको 70 रखते हैं, और उसके बाद सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ाते हैं 6 तक, और उसके बाद ये पिंक और मैजेंटा है इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद डन पे क्लिक कर देते हैं। डन पे क्लिक करने के बाद आपको कलर ग्रेड करना है, तो कलर ग्रेड करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है, और उसके बाद मैं शैडोज के लिए एक कलर चूज कर लेता हूँ। तो शैडोज के लिए इस पे आपको डबल टैप करना है, और उसके बाद ह्यू पे, ह्यू में मैं पहले सैचुरेशन बढ़ाता हूँ, और सैचुरेशन बढ़ाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि ह्यू में इसमें एक कलर चूज करता हूँ। यहाँ पे मैं ग्रीन टोन रखता हूँ, जिससे थोड़ा सा ग्रीन टोन आ जाए। उसके बाद सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस
चेंज करते हैं और मिड टोन को छोड़ दो, और उसके बाद हाईलाइट्स में एक कलर चूज करते हैं। तो हाईलाइट्स में पहले सैचुरेशन बढ़ाएंगे और उसके बाद में एक कलर चूज करते हैं। तो कलर्स में चाहता हूँ मैं इसमें एक थोड़ा सा पॉपअप कलर ऑरेंज को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस करते हैं और उसके बाद डन पे क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा टेक्सचर और क्लैरिटी ऐड हो, तो उसके बाद इस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद इसका टेक्सचर थोड़ा सा बढ़ाना है, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा, और उसके बाद क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वीनेट ऐड करूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेलेक्टिव टूल यूज करूँगा। सेलेक्टिव टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको प्लस पे आइकन पे क्लिक करना है और एक रेडियल मास्क लेना है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ सबसे पहले कि इसका जो ब्राइटनेस आप देख रहे हो, मतलब ऊपर स्काई, उसमें थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि पॉपअप ऐड हो। देखते हैं एक्सपोजर बढ़ाकर, सबसे पहले मैं बढ़ाता हूँ उसका एक्सपोजर, ज्यादा नहीं बढ़ाना नहीं तो डिटेल पूरा चला जाएगा और उसके बाद में मैं रिकवर करूंगा। तो हाईलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और शैडोज को देखते हैं। और उसके बाद मैं इसके लिए एक सा वार्म टोन रखते हैं, तो 6 पे ले जाते हैं, सही है। और उसके बाद मैं एक और रेडियल मास्क लूंगा, उसको इन्वर्ट कर देते हैं, एक्सपोजर माइनस करते हैं, जिससे फोटोज में एक बहुत ही तगड़ा लुक आ जाएगा। तो आप देख ही सकते हो, तो थोड़ा सा माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद डन हो गया फोटोज। तो ये था हमारा फोटो एडिट, और जो भी मैंने फोटोज को कैप्चर किया था, फोटोज को मैंने एडिट करके कुछ इस तरह बना दिया था। और आप भी कोई भी फोटोज को इन्हीं 4 स्टेप्स में एडिट कर सकते हो और फोटोज को एक तगड़ा लुक दे सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और गुड बाय।